21 अप्रैल 2016 को नागरिक सेवा दिवस पर नई दिल्ली में सोलन की सब्जी मंडी को प्रधानमंत्री पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। इसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत आरंभ किया था। प्रथम चरण में सोलन स्थित फल एवं सब्जी मंडी को विभिन्न कृषि एवं बागवानी उत्पादों के ऑनलाइन बिक्री के लिए चुना गया था, जिसमें सोलन की मंडी को सर्वश्रेष्ठ आंका गया था। ई नाम का मुख्य उद्देश्य देश की सभी मंडियों को आपस में जोड़ना था, ताकि किसान अपनी फसल अच्छे दामों में देश के किसी भी कोने में बेच सके। गौरतलब है कि सोलन की सब्जी मंडी को इसलिए पुरस्कार मिला था क्योंकि किसानों ने सबसे ज्यादा अपनी फसल ऑनलाइन माध्यम से बेची थी। लेकिन जब हमने इस बारे में मंडी के आढ़तियों से पूछा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। नरेंद्र ठाकुर, रमेश ठाकुर, रोशन शर्मा, सुनील ठाकुर, बिक्की चौहान आढ़तियों ने खुलासा किया कि यहाँ जितने भी किसान बागवान आते हैं वे ई नाम योजना से नहीं बल्कि उन्हें अपनी फसल बेचते हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि एपीएमसी उन पर दबाव बनाता है कि रोज होने वाली खरीद का करीबन 40% लेन देन ने ई नाम के माध्यम से करना होगा, इसलिए वे प्रत्येक दिन ई नाम के माध्यम से लेन देन कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सोलन के किसान को ई नाम योजना के बारे में जानकारी तक नहीं है और ये योजना केवल कागजों में चल रही है और आढ़तियों के दम पर ही इसे कई वर्षों से चलाया जा रहा है। ये तो मैं विशेष तौर पे आदरणीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूँ कि ई नेम का आपने चलाया तो बहुत बढ़िया ई नेम, लेकिन प्रधानमंत्री जी किसी भी एक SIT का गठन करिए आप दिल्ली से और जाके जो SIT में एक आढ़तियों ने या हमारी APMC ने SIT में SIT वालों को बोले जो ये पेमेंट की हमने ई नेम से, किसी किसान को इसके बारे में आज तक पता है कि ई नेम है क्या चीज़ है? मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ, मेरे को तो आज तक खुद पता नहीं कि ई नेम है क्या चीज़ है। सर, हमारे को खाली बोला जाता है ई नेम से आप पेमेंट करो, जबकि ना किसी किसान को पता ई नेम का, ना किसी आर्थिक को पता कि ई नेम का है क्या है। ये तो एक ज़बरदस्ती डंडा मार के खीर खिलाने वाली बात है सर। उन्होंने हमारे से ज़बरदस्ती आपका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा अगर आप पेमेंट ई नेम से नहीं करेंगे। हमने किसी अपने जो भी कारोबारी होता है वो क्यों उलझता है इस चीज़ में? चलो जो आप बोलते हैं हम कर देते हैं। तो अभी सारे आढ़ती ई नेम से ही करते हैं? अभी भी कर मजबूरी, इस बारी मैंने लिखा है, लेटर सचिव जी को भी लिखा है कि कोरोना काल है, कुछ पेमेंटें रुक रुक के आ रही है। इसमें इस साल भी उन्होंने एफिडेविट लिखवा के लिया हमारे से कि 40% आप ई नेम से पेमेंट करेंगे। ये तो ज़बरदस्ती डंडा मतलब डंडा मार के खीर खिलाने वाली बात है। ऐसा कौन सा कानून है कि नहीं जी आप कल ही आप जो है ये दवाई खाएंगे या कल ही आप ये पेमेंट करेंगे? ऐसा कौन सा नियम है हिंदुस्तान के अंदर या कौन सा कानून है सब बताता कि ऐसा होगा? जैसे ई नेम का एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर में ये होता है कि ग्रेडिंग होती है, सब कुछ होता है, तो क्या ई नेम वाले यहाँ पर आके ग्रेडिंग करते हैं? कुछ भी नहीं सर, कोई भी आर्थी ने आज तक किसी भी आर्थी को पूछ लो, ये आर्थी का नहीं है मेरे साथ खड़े, आपने बेचा कभी ई नेम से माल? आपने बेचा कभी ई नेम से माल? ई नेम से हमारी से सिर्फ पेमेंट ली जाती है। कश्यप जी ने डंडा मार के हमारे से पेमेंट ली, जबरदस्ती हमारे को जरका आके कि भाई आपका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं करेंगे, आपको ये नहीं होगा, फिर आश्वासन दिया गया कि आपका ऑल इंडिया में लाइसेंस बन जाएगा, ई नेम से आप पेमेंट करेंगे आप हिंदुस्तान की किसी मंडी में काम कर सकते। ये हद तो तब होगी जब मेरे को यहाँ से, मैं सोलन में काम कर रहा हूँ, मैंने बोला सर मेरे को पराला का लाइसेंस दे दो, मेरा घर कोटखाई में, मेरे को नज़दीक पड़ता है, मेरे को पराला का लाइसेंस दे दो। नहीं जी हम आपको पराला मंडी का लाइसेंस नहीं दे सकते, पराला मंडी से बाहर का लाइसेंस दे सकते। तो मैं कहा बाहर अगर बाहर ही करना है तो अब तो प्रधानमंत्री जी ने खुद ही छूट दे दी है, बाहर अगर करना है तो क्या जरूरत है मेरे को लाइसेंस की, मैं तो बाहर खुद ही कर लूँगा। दे तो किया गया था ई नेम के लिए, लेकिन हमने जैसे एक जस्ट लगे एंट्री करने के लिए कि हम मैंने 2 लाख दे दिया ई नेम से डाल दो जिसको, ताकि मेरा नाम जिससे बाहर ना हो, लेकिन इस तरह की ई नेम का तो ठीक नहीं है सर, और ना ही हो सकती है ई नेम के थ्रू, क्योंकि एक खरीदार आता है आधी पेमेंट तो उसी टाइम ले जाता है, ई नेम में देखे ई नेम में कौन सा उसी दिन हो रहा है, वहाँ भी 1 हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं ई नेम के थ्रू भी, तो इसका कोई फायदा नहीं है सर ई नेम का कोई। अगर तो कोई धोखाधड़ी कर रहा है, इससे धोखाधड़ी निकल रही है, तब तो हम माने इस बात को, ये चीज़ कुछ भी नहीं है सर, ई नेम से तो वैसे होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। तो के थ्रू सर हमारा कहना ये, जब ये लोग हमसे ई नेम के थ्रू पेमेंट लेते हैं तो हमारे को ई नेम के थ्रू सिक्योरिटी भी दे मंडी को, हमारे पास जो बाहर से खरीदार आते हैं जैसे कि हमारे को बोलते हैं कि आपका लाइसेंस तभी रिन्यू होगा जब आप EMM के थ्रू पेमेंट करेंगे, तो इस तरह से हमारे को भी श्योरिटी दे APMC जो खरीदार आते हैं, हमारे को भी कॉपरेशन दे, थोड़ा सा हम लोगों का भी सहयोग करे। तो मेरा तो यही कहना है इन EMM के थ्रू हमारे को तो कोई बेनिफिट नहीं है। अब आज लोगों को पेमेंट डालनी होती है तो EMM के थ्रू 4 दिन के 5 दिन के बाद पेमेंट जाती है ना। अब EMM के थ्रू वही है जी, पहले शुरू में हम लोगों को नहीं तो बोलते कि भाई आपको जो है शुरू में जो है एफिडेविट लिया है कि भाई 40% आपको EMM के थ्रू करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका आगे जो है लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा, आपको दिक्कत आएगी। तो अब हमारी मजबूरी है जी, हमने जो एफिडेविट दिया तो हमारे को करना पड़ रहा है,
पर आगे जो है अब नहीं कर पाएंगे हम, खरीदारों को ग्रोवरों के लिए बहुत परेशानी हो रही है जी, ग्रोवर नहीं रुक रहा जी, मैक्सिमम तो आज की डेट में चेक ले रहा जी हमारे से। एफिडेविट क्या लिया है? एफिडेविट ये कि 40% जो है हम ई नेम के थ्रू पेमेंट देंगे, पता नहीं क्या क्या उसमें लिखवाया है जी जो भी, तो उसमें हम लोग नहीं दे पाएंगे जी, ऐसी पेमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम ग्रोवर जो है चेक लेता है, चेक से जो है वो सेम डे चेक ले लेता, भले ही वो बोलता है कि महीने बाद का दे दो पर चेक मेरे को सेम डे चाहिए। अब हम चेक दे तो ग्रोवर वो इधर से मार्केट कमेटी वाले परेशान करते जी, अगर हम चेक ना दें तो ग्रोवर हमारे पास दूसरी बारी हट के नहीं आता जी। आपको बता दें कि ये योजना किसानों के लिए चलाई गई थी कि जब भी किसान अपनी फसल लेकर मंडी में आए तो सबसे पहले गेट पर आकर फसल की सूचना देगा, उसके बाद लैब में उसकी ग्रेडिंग होगी और फिर उसे ऑनलाइन बोली कर बेचा जाएगा, जिसके चलते तुरंत ही किसान को उसका भुगतान हो जाएगा। जब इस बारे में हमने गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे 3 माह से यहां अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें ई नाम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और ना ही गेट पर कोई ई नाम के पंजीकरण के लिए कोई बैठता है। शायद ऑफिस में जाते हैं, इतनी नॉलेज नहीं है गेट पे कोई, हमारे को इतना पता है एंट्री का पता है जी। अभी गेट पे किस चीज़ की एंट्री करते हैं? जो गाड़ियाँ आती है ना जी, जो यहाँ से जो गाड़ी जो भी सामान लेके जाती है तो उसके हम लोग एंट्री करते हैं। अच्छा, जितने भी गेट पास हम पास करते हैं यहाँ से, यही पता है। ई ऑक्शन का पता है आपको? ई ऑक्शन का नहीं पता कि ई ऑक्शन में क्या किया जाता है। नहीं, कितना टाइम लगेगा? मेरे को 2 महीने। कोई रजिस्टर भी नहीं बना हुआ यहाँ पर ये ऑप्शन का? ऐसा तो कोई रजिस्टर नहीं है, मैं पता करके बताता हूँ आपको कि 2 महीने से अभी तक कोई नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं। वहीं जब मंडी में दूसरी मंजिल पर बनी लैब में कार्यरत कर्मचारी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जैसे ही किसान मंडी पर पहुंचता है तो गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी उसकी फसल के बारे में विस्तार से जानकारी लेकर उन्हें देता है, जहाँ किसान अपनी फसल लेकर पहुँचता है और ग्रेडिंग की जाती है, उसके बाद उसकी ऑनलाइन बोली लगाई जाती है और इस बोली में सोलन सब्जी मंडी के आढ़ती ही भाग लेते हैं। जो भी अधिक बोली देता है उसे फसल बेच दी जाती है और किसानों को पैसा उपलब्ध करवा दिया जाता है। बेट यहीं से होती है सर, हमारे पास ही क्रिएट होती है यहाँ पर। ये एक मतलब होल प्रोसेस है, जैसे आपका नीचे गेट एंट्री, हमारी गेट एंट्री पे डाटा एंट्री ऑपरेटर होगा, वो फार्मर्स की पूरी डिटेल लिखेगा, सब कुछ, उसका नेम लिखेगा, एड्रेस लिखेगा, उसका अकाउंट नंबर लिखेगा, वहाँ पर उसकी पूरी डिटेल आएगी कि वो कहाँ से आया और कितने का लॉट लेकर आया, चाहे वो आपका टोमेटो लेकर आ रहा है, चाहे आपका वो पीज लेकर आ रहा है, एप्पल लेकर आ रहा है, वहाँ पर एंट्री होगी। उसके बाद हमारा काम है कि हम उसका सैंपल लेते हैं, सैंपल लेंगे, उसकी असेइंग करेंगे, उसको सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद बिड क्रिएट करेंगे। फिर उसमें डिफरेंट बायर्स हैं हमारे, जो चाहे यहाँ के चाहे बाहर के हैं, वो बिड लगाते हैं अपने कि मैं 500 रुपये में खरीदना चाहता हूँ मैं, पर वो ये मैं अपना बता रहा हूँ, वैसे वो मतलब इस पे कंप्यूटर पर लगती है, जो दिखती रहती है, शो होती रहती है, फिर जब लास्ट में लग जाती है उसमें खरीदार कौन होता है? खरीदार सर बाहर के होते हैं मैक्सिमम, जैसे हमारे जो अभी कमीशन एजेंट्स हैं ये भी ट्रेडर्स हैं, ये भी मतलब इनसे प्रोड्यूस को वो करते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो हमने इनको भी ट्रेडर्स। ज़्यादातर कहाँ से लोग खरीद रहे हैं? ज़्यादातर लोग सर हमारे यहीं के ही हैं अभी, तो जो मैक्सिमम जो मंडी के आड़ती हैं, जो यहाँ के ट्रेडर हैं, वो मैक्सिमम सामान जो इनसे खरीद रहे हैं। एक जो किसान है वो नीचे से आता है, गेट पे एंट्री करवाता है, गेट पे एंट्री करने के बाद में वो ये बताता है कि वो कितना माल लेकर आया है, फिर उसके बाद में वो आपके पास जो गेट कीपर है वो आपके पास आता होगा, वो इन्फॉर्मेशन देता होगा? नहीं नहीं, इसमें ना एक पर्टिकुलर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसकी अपनी एक आईडी है, जो लैब असेयर है उसकी अपनी एक आईडी है, जैसे गेट एंट्री पर गेट एंट्री होगी वो लैब असेयर को शो हो जाएगी कि ये लॉट नंबर 1 जनरेट हो चुका है और ये 24 बॉक्स हैं, एप्पल के हैं, टोमेटो के हैं, जिस मर्जी के। फिर रैंडमली लैब शेयर का काम है कि वो उससे टोमेटो पिक कर रहा है, 2-4 लॉट से पिक किया उसने, उसकी असेइंग करेगा, उसको ग्रेडिंग देगा, देन उसके बाद का प्रोसेस है कि हम बिड क्रिएट करेंगे उसके लिए कि ये 24 लॉट्स का है, अब जिसने जो इसमें इंटरेस्टेड है, जो बायर्स इसमें इंटरेस्टेड है वो अपनी बिड लगा सकता है। भाजपा किसान मोर्चा के पदाधिकारी मदन ठाकुर ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ई नाम योजना केवल कागजों में चल रही है। उन्होंने कहा कि वे किसान हैं, उन्हें भी आज तक ये नहीं पता कि आखिर ई बोली लगाने का
स्थान सोलन सब्जी मंडी में कहाँ है, वे कहाँ जाकर ऑनलाइन अपनी फसल बेच सकते हैं, ऑनलाइन फसल बेचने की क्या प्रक्रिया है। उन्होंने माना कि ई नाम योजना जो किसानों के लिए चलाई गई है उसका किसानों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। ई नाम जो है, ये जो सब्जी मंडी में ई नाम का वेबसाइट खोली गई है, ये सिर्फ कागजों में है मैं, और ये जिम्मेदारों को जिस जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई है, जब ई ऑक्शन आड़ी नहीं है वहाँ पे कहीं, तो हम कैसे मान लें कि ई नाम मंडी का जो कृषियों को कोई फायदा होएगा। कारण जब हम लोगों ने ये चीज़ देखी नहीं पाई नहीं मंडी में, तो कारण यही है सबसे बड़ा कि वहाँ पे जब हमारे को कई प्लेटफार्म का ही पता नहीं लग पाया आज तक, तो कारण फायदा कैसे हम मान लें हम उस चीज़ का, किसने माल खरीदा है, किसने माल बेचा है, ये तो कागजों तक सीमित है। मेरा ये मानना है जो ये ऑक्शन आड़ है सब्जी मंडी में, ये ओनली कागजों में सीमित है।